मैं सुल्तान शहर कैसर होटल के पास रहती हूँ। मैं जो घर में रह रही हूँ वो मेरा रहन का घर है। मैं जहाँ पर रह रही हूँ वहाँ पे मेरे घर में फरवरी के महीने से चोरी हो रही। दो तीन वक्त तो चोरी हो गई, फिर मैं जैसे घर में कैमरे लगे, ये चोरी क्यों हो रही बोल के कैमरे लगाए तो उस वीडियो में जैसे मकानदार चोरी कर रहे वो वीडियो मेरे पास अभी भी है। मैं पीएस को गई थी, ये जून की 17 को चोरी हो गई। मैं एक महीने से पीएस को गई, मैं कंप्लेंट करी, एफआईआर एक हफ्ते के बाद हुआ मेरा। सर वहाँ पे एफआईआर कर रहे थे, वहाँ कोई इमरान बोल के है, उन्होंने वो चोर का जो सो के ये असमा बेगम, अजमत बेगम, सैयद मनान हाशमी, शेख अहमद आरिफ, ये पांचों मिलके मेरे घर में फरवरी से चोरी कर रहे हैं। मई की 17 को मेरा फ़ोन भी चोरी हो गया, मैं वो भी जाके कंप्लेंट करी थी, वो ऑनलाइन हो गया। ईएमआई आईडी पे फ़ोन ट्रेस करते बोले मेरे को अभी तक फ़ोन भी नहीं मिला। मैं जाके बार बार पीएस में कंप्लेंट कर रही हूँ मगर वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे मेरे को। मैं वीडियो जो लेके जाके बताई वो वीडियो में जो सो चोर जो चोरी करे असमा बेगम और अहमद और उनका एक लड़का, ये लोग को लेके गए और मैं जाके बार बार पूछने पर बोले रिमांड कर दिए मगर वो असमा को रिमांड नहीं करे। मैं फिर जाके पूछी तो बोले उनकी बच्ची छोटी है, उनको रिमांड नहीं करते। मेरे को कहीं से भी जो पुलिस की जो सो सपोर्ट नहीं मिली, मेरे को ना एक्शन ले रहे चोरों पे, अजमत बेगम को और मन्ना सैयद मन्ना हाशमी को भी नहीं पकड़ रहे। मैं जाके वहाँ पे बात करूँ तो मेरे को डरा धमका के भिजा दे रहे कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, ये इमरान से बात करोगे और हर बात में इमरान आ रहे ये घर खाली कर दो ना तो तुम्हारा घर का सामान बाहर फेंक देता हूँ, तुम्हारा को फ्री में यहाँ से चले गए जैसा घर खाली करा देता हूँ। पूरे महीने में मेरे को गालियाँ दे रहे, मेरा पूरे लोगों में तमाशा कर रहे, मेरे को बहुत तकलीफ़ है। मेरे को ये तकलीफ़ मेरी दूर करने के लिए मैं यहाँ पर सिराज फाउंडेशन मैडम के पास आई। मेरे को यहाँ से इंसाफ मिलने के लिए बोल के मैं यहाँ पे आई। ये मैडम मेरे को थोड़ा इंसाफ दिला के पुलिस से जो भी मेरी मदद हो सकती करा के मेरे साथ रहा, मेरे को जो भी लीगल जो है कार्रवाई वो करा के मेरे को इंसाफ दिलाने के लिए मैं ये बयान दे रही हूँ। प्लीज़ जो भी है मेरी मदद करके मेरे को इंसाफ दिलाइए। मेरे चोरी के जो भी सोना, मेरा 6 तोले सोना चले गया, 4 लाख कैश चले गया, मेरा फ़ोन चले गया, एक भी कुछ भी रिकवरी नहीं करे। एक महीना हो गया मेरे को, मैं पुलिस के बार बार जा रही हूँ, पीएस को चकरा मार के आ रही, मेरे को कुछ भी नहीं बोल रहे, भिजा दे रहे, हो करते बोल के भिजा दे रहे। प्लीज़ मेरी मदद करिए और मैं मैम के पास आई मेरी मदद होना बोल के। बोलिए क्या प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हामिद है, मैं कैसर होटल सिपाही शरीफ के सामने दिल्ली में रहता हूँ। वहाँ पर मेरे घर पर चोरी हुई और मेरे यहाँ पे घर पे जैसे मैं रहन पर रहता हूँ, 2 साल से रहन पर हूँ। पहला एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, मैं पैसे पूछा तो फिर जैसे नहीं किया, मेरे को फिर एग्रीमेंट बनाया। फिर 1 साल का एग्रीमेंट बनाने के बाद में जैसे मेरे घर पर चोरी होते जा रही, 3-4 मरतबा चोरी हो गई। तो घर वाले मेरे पे शक कर रहे थे, मेरे पास चाबी थी, तो वो चाबी के दरमियान जैसे मैं फिर घर को आना जाना बंद कर दिया। तो जाने के बावजूद भी जैसे 2-3 मरतबा चोरी हुई, होने के बाद में घर वाले हमारे कैमरे लगाए घर में, आकर चोरी हो रही कौन सी बोल के कर रहे हैं कौन बोल। चोरी का जब देख रहे तो मकानदार असमा, जो मकानदार ने असमा है वो चोरी कर रही, और उनके भौने ही है शेख अहमद, और ये पूरे मिलके जैसे मेरे घर पे जैसे चोरियाँ पे चोरियाँ करते जा रहे हैं, और लोग के 4-5 जने हैं घर के पूरे मेम्बर है, पूरे मन्ना हाशमी है, अजमत बेगम है और सैयद आरिफ है, असमा बेगम है, और ये पूरे मिलके है, पर जितने भी जने हैं पूरे मिलके जैसे घर पे मेरे चोरी पे चोरी होते जा रही। और मेरे 3 लाख से मैं रहन पे घर पे हूँ, और 3 लाख हैंड लोन के पेपर पे नो एंट्री डॉक्यूमेंट रखे मेरे पास, नो एंट्री डॉक्यूमेंट रख के 3 लाख रुपये देते बोल के मैं दिए हुआ उनको 3 लाख रुपये। अब जैसे मेरे को वो पैसे भी नहीं मिले, ये पैसे भी नहीं मिले, और मेरे को बोला घर खाली कर दो, मैं खाली नहीं कर पाई बोला, मेरे को पैसे आए तो मैं घर खाली नहीं कर, पूरा अमाउंट मेरे को आना बोला, थोड़े बयान ले लो तुम देख लो दूसरी जगह बोल के बोल रहे हैं, नहीं लेता हूँ बोला मेरे को। कौन बोल रहे हैं आके? जो एजेंट है घर से बता रहे हैं, इमरान बोल के है उन्होंने, जो उनके ताल्लुक से आ रहे हैं उनसे अभी आओ, हमारे तरफ से थे वो, तो जैसे घर के पैसे दिलाओ बोले थे उनको, तो उन्होंने आके जैसे हमको बोले कि आप भाई पैसों का इंतजाम हो जा रहा, पार्टी दूसरी रेडी है, आप ले लो पैसे, मगर मेरे को 1 टाइम पूरा पेमेंट होना है। अब ये थोड़े ले लेके फिर बाद में ले लो अपन, खाली करके बाद में नहीं दिए तो इस
असली है जैसे हो और जो पेपर भी डुप्लीकेट जाली पेपर है वो अच्छा सिग्नेचर जैसे मन्ना हाशमी की बोल के कराते बोले आसमान जैसे उनको करा के जैसे किसकी लाए पता नहीं मगर मन्नान हाशमी का घर है मगर सिग्नेचर मन्ना हाशमी की नहीं है इसमें धोखा हो गया मेरे साथ इसके लिए मैं इंसाफ के लिए मैडम के नहीं आई हुआ हूँ यहाँ पे शिराज मैडम के नहीं आई हुआ हूँ मुझे इंसाफ होना और मेरे पैसे होना मेरे घर में चोरी हो गए मेरे घर वालों के दोस्तों चोरी पे चोरी हो जा रही है हमारी जिंदगी खराब हो जा रही है लाख की चोरी हुई मेरे घर में दोस्तों 4 लाख रुपए कैश थे 6 तोले सोना थे पूरे बिल है मेरे सोने पुलिस के एक्शन लिए आपके चोरी के केस में एक्शन कुछ भी नहीं लिए मैडम जा रहे वहाँ पे दोस्तों कुछ भी एक्शन नहीं लिया एफ आई आर नहीं ले रहे अब 1.5 लाख कुछ ले लो बोल रहे हैं वो ले लो बोल रहे हैं नोटे ले लो बोल रहे हैं हम कहाँ से लेंगे हमारा इतना गया पैसा हम जुमला कितने लाख का नुकसान हुआ आपका कितने लाख को आप धोखे में आ गए उनसे पूरा जैसे हम 15 लाख का नुकसान हुआ अच्छा 15 लाख में बीच में एक आदमी आके 1.5-2 लाख रुपये लेके सेटल कर लो बोल रहे सेटल कर लो बोल रहे अब कैसा करेंगे मैडम अब उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हम जैसे हमारा पैसा गया हमारा सोना गया हमारी जिंदगी खराब हो रही हमारे पे जैसे मैं जो काम नहीं करा जिंदगी में जैसे उसमें तमत हो गए मेरे नाम खराब हो गया मेरी इज्जत पे आ गई बात वो जबकि मैं मेहनत करके कमाने वाला मैं कभी जिंदगी में चोरी नहीं करता हूँ पहनाया मैं उसमें मेरे को चोरी का इल्जाम आ गया तो मैं घर को जाना छोड़ गया था तो वो जाने के नहीं जाने के बावजूद भी चोरी हो रही देखे वो बावजूद भी चोरी होने के बाद में जब कैमरे लगाए तो मकानदार कर रहे वो हमारे घर वालों से जरा आते जाते रहते थे घर में क्या बोले तो क्या खैरियत कैसे क्या है पूछते करते थे वो दरमियान में जैसे चाबियां जैसे कॉपी कर लियो कॉपी कर लेके उस दरमियान में जैसे चोरी कर लिया हम वहाँ नहीं रह रहे टाइम पे नहीं वीडियो में देखना है पुलिस क्या बोल रही अब पुलिस जो सो एक्शन लिया मगर वो एक को भेजा है बोल रहे एक को नहीं भेजा कौन है एक को किसको रिमाइंड करे अब वो अहमद को शेख अहमद बोल के है कौन है वो असमा जो है वो नहीं है अच्छा अच्छा तो जो चोरी करे मेन जो सो असमा बेगम उनको जेल को भेजा ही नहीं अभी अच्छा और ये पूरे रहन वगैरह मन्नान करे या असमा करे आपके साथ मेरे साथ असमा करे असमा के नाम की तो कोई प्रॉपर्टी पेपर नहीं है ना नहीं नहीं है फिर कैसा फिर अब शौहर की प्रॉपर्टी कैसा बीवी भाटे के कर सकती है दो घर है मैडम दो घर के पार्टीशन है दो मीटर है इसमें तो वो घर को तोड़ दिए दरवाजा बीच में से लगा दिए वो पूरा घर जैसे मेरे कब्जे में छे वो अब दो पेपरों में से वो मन्नान हाशमी का जो है ना उसमें सिग्नेचर कराते बोले और जैसे उनके हस्बैंड जैसे घर में रहते आप कहीं को आते हो मेरे पे वो होता बोल के जैसे सिग्नेचर करा लेके जैसे लाती हूँ मैं घर में अलग समझते हैं मेरे को मैं करा के देती हूँ सिग्नेचर बोल के घर में से लेके जाके सामने नहीं भी दस्तखत मेरे सामने आई भी सिग्नेचर नहीं कोई गवाह भी नहीं थे कोई गवाह तो नहीं है मगर उनके एक भाई विटनेस में है मेरे पास अच्छा उनका छोटा भाई आरिफ बोल के है वो विटनेस में है पेपर ठीक है अब आपकी अपील क्या है बोलिए हमारा इंसाफ होना मैडम हमारे हमारा जितना पैसा गया हमारा जितना घर से नुकसान हुआ वो पूरा आना मैडम इंशाल्लाह चलो ठीक आपके पास इंसाफ के लिए आए मैम आप इंसाफ दिलाइए मैम हमको हमारा जितना भी चोरी भी हो गया सो और घर के भी पैसे तमाम के लिए हम आपके पास आए मैम आप हमारी हेल्प करिए मैम प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करें हमारी हेल्प करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह